अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़, मैं हूँ यशमीन जमाल। नाज़रीन, बात करेंगे कुछ आज जिनीवा में होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस के हवाले से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस साल पाकिस्तान को बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हमने देखा कि पाकिस्तान को उठाना पड़ा। उसी हवाले से दुनिया को बावर कराने के लिए और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से आवाज़ उठाई गई, और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये भी सैलाब मुतासरीन का जो मामला है उसी को हाईलाइट करने के लिए, रेज करने के लिए इसका इनेकाद किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ और अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस जो है वो मुश्तरका तौर पर मेजबानी करेंगे इस कॉन्फ्रेंस की। प्राइम मिनिस्टर एक आला सतह वफ्द के हमरा रवाना हो चुके हैं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए, और वफ्द में वजीर खजाना, वजीर खारजा और वफाकी वजीर इत्तला जो है वो भी शामिल हैं, वो इस वफ्द का हिस्सा है। और जैसे कि मैंने कहा कि जो बुनियादी मकसद है इस कॉन्फ्रेंस का वो पाकिस्तान में सैलाब के नतीजे में होने वाली तबाहकारियों को हाईलाइट करना है। किस तरीके से एक तिहाई पाकिस्तान इससे मुतासर हुआ, किस तरीके से 33 मिलियन लोग जो है वो इससे अफेक्ट हुए, 1700 के करीब जानों का ज़िया जो है वो इससे अभी तक रिपोर्ट किया जा रहा है। अगर हम पाकिस्तान के अंदर जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसकी बात करें, वो जिस तरीके से मुतासर हुआ, उसके अंदर सड़कें हैं, पुल हैं, तजारती मराकज़ हैं, स्कूल हैं, लोगों के घर हैं, जो तमाम मामूलाते ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत बुरे तरीके से तबाह हुए हैं। तो जो कलीदी खिताब होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, उसका मकसद यही है इन सभी चीज़ों को हाईलाइट करना। और प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान से रवानगी से पहले भी इसी चीज़ को हाईलाइट किया है कि दुनिया को एक तो बावर कराना है कि क्या नुकसान हुए हैं, और दुनिया की मदद और हमदर्दी जो कि पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त रिक्वायर्ड है उस पर बात करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है और इसमें जाया जा रहा है। तो थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि जो एक ओवरऑल सिचुएशन है उससे इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर अगर बात करें साइड लाइन्स के ऊपर, IMF के वफ्द से मुलाकात भी मुतवक्के है। वफाकी वजीर खजाना की जो IMF की सरबराह हैं उनसे बात हुई है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की टेलीफोन पर रब्ता हुआ था। और जैसा कि हमने कल के प्रोग्राम में भी बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से यकीन दहानी कराई गई उनको कि किस तरीके से पाकिस्तान अपनी तमाम वो शराइत जो कि IMF प्रोग्राम का हिस्सा है उन्हें पूरा करने की पूरी नीयत और इरादा रखता है, वो पूरा किया जाएगा। लेकिन फिर भी इस प्रोग्राम को दोबारा से किक स्टार्ट करने के लिए, ट्रैक पिलाने के लिए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकात जो है वो IMF के मुतवक्के है, तो इस पर भी बात करेंगे। एंड एट द सेम टाइम कुछ बात करेंगे मुल्क की जो इंटरनल एक पोलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर भी, क्योंकि पंजाब में ऐसा लगता है कि परवेज़ इलाही साहब जो कि बार बार ये कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लोगों को गुमराह करती हुई दिखाई देती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मामले पर, ऐसा लगता है कि वो कन्विंस करने में कामयाब हो गए हैं PTI को कि फिलहाल एतमाद के वोट का मामला जो है उसको छोड़ दिया जाए। और PTI की जानिब से भी यही मौकफ अपनाया गया है कि 9 जनवरी यानी कल के रोज जो कि एक्सपेक्टेड था कि एतमाद का वोट हासिल करने की कोशिश की जाएगी, अब ऐसा नहीं होगा। तो इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ बाजगश्त नई सियासी जमात को बनाने की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में काउंटर करने की, उसकी भी तरदीद अलीम खान साहब की तरफ से भी की गई है, तरीन साहब की तरफ से भी, जहांगीर तरीन साहब की तरफ से भी की गई है। तो इस पर भी बात करेंगे कि जो पंजाब की इस वक्त सियासी सूरत हाल है वो क्या रुख इख्तियार कर सकती है। जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं तारुफ करवा के गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से शेख फयाजुद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सीनियर सियासतदान है अवामी नेशनल पार्टी से जाहिद खान साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन ने लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। शेख फयाजुद्दीन साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। एक हाई पावर डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर के हमरा इस वक्त रवाना हो चुका है जिनीवा कॉन्फ्रेंस के हवाले से, थोड़ा सा सर के क्या अहमियत है इस कॉन्फ्रेंस की, और मुश्तरका तौर पर मेज़बानी कर रहे हैं जो सेक्रेटरी जनरल है अक़वामे मुत्तहिदा की और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो इस चीज़ की कितनी सिग्निफिकेंस होगी, कितना इम्पैक्ट होगा दुनिया में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीबी, पाकिस्तान में जो ये बारिशों से सैलाब आया है इसकी मिसाल हमारे पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। इतनी बर्बादी इस पर हुई है, अकेला पाकिस्तान उससे निपट नहीं सकता। और बारिशों की जो वजह है वो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दुनिया सारी को पता है कि पाकिस्तान का हिस्सा 0.01% भी नहीं है, लेकिन तबाही बहुत ज्यादा हमारे हिस्से में आई है। तो हमारी हुकूमत की ये मंशा थी और वो ये चाहते थे कि दुनिया को ये बावर कराया जाए कि इस तबाही के वजूहात हम नहीं है, वो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में आई है। तो इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है कि सब मुल्क के तमाम दुनिया के ममालिक को ये बताया जाए कि हम एक बहुत बड़ी तकलीफ में हैं, और उस तकलीफ की वजह पाकिस्तान खुद नहीं है बल्कि सारी दुनिया है। तो मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा कि ये जो डेलीगेशन गया है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी सीनियर क्यादत बिलावल भुट्टो साहब भी शामिल हैं, शहरी रमान साहिबा भी हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग से इसहाक डार साहब भी हैं, और मरियम औरंगजेब और मोहतरम जनाब
वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि जब वो पूरी दुनिया को ये बताएंगे, और पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया जहनी तौर पर तैयार है पाकिस्तान की मदद करने के लिए, और पाकिस्तान के अंदर भी तमाम सियासी जमातों ने दुनिया से अपील की है, मासवाय एक जमात के, जो जमात पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहती। मेरा इशारा तहरीक इंसाफ की तरफ था, वो हमेशा पाकिस्तान के हर वो काम जिसमें पाकिस्तान का भला हो उसकी मुखालफत करते हैं। हम डिफॉल्ट हों या ना हो, और इंशाल्लाह हम नहीं होंगे, वो एक माह से शोर मचा रहे हैं कि हम डिफॉल्ट हो गए हैं, वो ये शोर मचा रहे हैं कि दुनिया में इमदाद नहीं देगी, वो ये शोर मचा रहे हैं कि IMF का वो प्रोग्राम जो वो साइन करके गए थे वो मुकम्मल नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में जो वाहिद प्रोग्राम IMF का मुकम्मल किया था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत ने 13 से 18 के दरमियान किया था, ये भी हम इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे, और इंशाल्लाह IMF भी हमें पूरी मदद देगा। IMF वाले मामले पर भी मैं बात करती हूँ आपसे। बैरिस्टर आमिर हसन साहब से बहुत काम किया है शहरी रहमान साहिबा ने, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने, इस सारे मामले को हाईलाइट करने के लिए क्लाइमेट जस्टिस का एक कॉन्सेप्ट, क्लाइमेट जस्टिस की बात दुनिया में, अभी जो मिस्र में भी कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी हमने देखा कि बहुत भरपूर तरीके से ना सिर्फ हाईलाइट किया बल्कि उस फंड का क्याम एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और अब ये जिनीवा कॉन्फ्रेंस उसी एक सिलसिले की कड़ी दिखाई देती है कि बहुत परसिस्टेंटली पाकिस्तान परस्यू कर रहा है इस चीज़ को कि पाकिस्तान का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है क्लाइमेट चेंज में, तो पाकिस्तान रिसीविंग एंड पर क्यों हो, या हमारे जैसे और ममालिक रिसीविंग एंड पर क्यों हो, तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कॉन्फ्रेंसेज हैं, हमें इनसे क्या तवक्कोआत रखनी चाहिए, इनकी क्या अहमियत है सर? देखिए, पहले तो जब तक हम आलमी सतह पे उन मसाइल को उजागर नहीं करेंगे, ये मसला ना तो पाकिस्तान की अपनी वजह से है, एक तो कुदरती आफत है और उसकी वजह जो है वो सारी दुनिया का और तरक्याती ममालिक की वजूहात हैं जिसका खुमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। जहाँ तक आपने बात की शहरी रहमान साहिबा की या दूसरी क़्यादत की, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर में 2018 के मंशूर में ही क्लाइमेट चेंज के ऊपर पूरी एक मंशूर के अंदर अहम नुकात दिए थे, और उस पर पार्टी के अंदर भी काम हो रहा था, और जब ये हुकूमत आई और शहरी रहमान साहबा इसकी बनी तो हमने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बड़े भरपूर तरीके से इस वजारत को मुतहरक भी किया और आलमी सतह पर बात हुई। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात थी कि पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन क्लाइमेट चेंज की वजह से बदतरीन बारिशों से सैलाब का सामना कर रहा था, तो ये बात आलमी सतह तक पहुँचाना थी, जिसकी क़यादत वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की, और जिस मौसर अंदाज में UN के सेक्रेटरी जनरल यहाँ पे आए, दूसरे ममालिक के वज़रा खारजा आए, फिर UN के अंदर बात हुई, और अब जो कल डोनर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को, और ये डोनर कॉन्फ्रेंस होगी, ये पाकिस्तान की सफारती और आलमी महाज के ऊपर एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान तन्हा नहीं है। अगर पाकिस्तान ने दूसरी अकवाम की मुश्किल वक्त में मदद की है और हम करते रहे हैं, अगर किसी मुल्क में दहशतगर्दी रही है तो हमारे मुसल्ला अफवाज वहाँ पे जाती रही हैं, अगर कहीं दूसरे मुल्कों में आफतें आई हैं तो पाकिस्तान ने मदद की है, और आज अगर पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त है तो हम सबका ज़मीर भी झंझोड़ रहे हैं और सबको इस पर बेदार कर रहे हैं कि आपको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जहां पे पूरी अकवामे आलम पाकिस्तान के साथ, आप कल भी देखेंगे और इससे पहले, इससे बड़ी मिसाल हो ही नहीं सकती पाकिस्तान की तारीख में कि अकवामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल यहां पे आए और उन्होंने इस पाकिस्तानी मौकफ को माना भी और दुनिया के सामने उजागर भी किया कि इनका हमारा हिस्सा तो कुछ भी नहीं है ग्लोबल वार्मिंग में या खराबी में या क्लाइमेट चेंज के अंदर, लेकिन हम मुतासर होने वालों में सर फहरिस्त हैं। तो ये बात जब सेक्रेटरी जनरल अकवामे मुत्तहदा की जुबान से आई, फिर उन्होंने UN के अंदर की, अब कल भी ये बात होने जा रही है, तो ये एक इतनी ताकतवर बात है कि पाकिस्तान ने पहली दफा पूरी अकवामे आलम तक ये बात पहुंचाई है कि पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है उसमें अकवामे आलम को साथ खड़ा होना पड़ेगा, और यही कल होने जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक आवाज यहाँ पे ऐसी है कि जब पाकिस्तान के लिए ये सब हो रहा है तो उन्हें एतराज ये है कि वजीर खारजा बाहर क्यों होता है। अब इन लोगों को पता ही नहीं कि वजीर खारजा का काम मुल्तान के अंदर उर्स करके कैंची से बाल काटना नहीं है अपने मुरीदों के, और ना उसका मुखालिफ सियासी जमातों को ताना जनी करना है। वजीर खारजा का यही काम है
कि पाकिस्तान का वकार बहाल करे, आलमी सतह पे दोस्त ममालिक तलाश करे, दोस्तों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम करें, जो कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क्यादत में हो रहा है। अब उन्हें यह है कि वजीर खारजा बाहर क्यों होता है, फिर कभी कहते हैं कि हम पैसे मांगने क्यों जा रहे हैं, भाई हम किसी से खैरात लेने जा रहे हैं, यह हमारा हक है। जब पाकिस्तान भी दूसरे ममालिक की मदद करता है तो आज अगर पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त है तो यह हमारा हक है। इस पर तमस्खुर उड़ाने वाले असल में ना पाकिस्तान के हिमायती हैं, ना पाकिस्तानी कौम के, और ना सैलाब में फंसे मुतासरीन के, ये वो लोग हैं। क्योंकि मैं आपकी जानिब दोबारा से आती हूँ, मैं जाहिद खान साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सैलाब मुतासरीन तक नहीं पहुंचे। जी बिल्कुल, मैं जाहिद खान साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सर, पाकिस्तान की आला क्यादत इस वक्त एक हाई पावर डेलीगेशन के साथ इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रवाना है। जो मकसद है वो ये है कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो है वो सीख करनी है आलमी कम्युनिटी से, और एक 4 आर्स का फ्रेमवर्क है वो बताया जा रहा है कि जिसको कल इनॉग्रेट भी किया जाएगा, दुनिया के सामने रखा जाएगा, जिसके अंदर रिजिलियंस, रिहेबिलिटेशन, रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन की बात की जाएगी, और दुनिया को बताया जाएगा कि यह हमारा प्लान ऑफ एक्शन है रिकवरी के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए। मैं सर चाहती हूँ इसकी अहमियत पर भी आप कॉमेंट कीजिए। इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेज हैं क्या वो फ्रूटफुल साबित हुआ करती हैं, ये प्लेटफॉर्म्स इनकी क्या इंपॉर्टेंस है सर? देखिए, ये एक अच्छी बात है क्योंकि हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है कि बैनुल अक़वामी सतह पर जो हमारी मुश्किलात है वो सारे अक़वाम के सामने रखे और उनसे तवक्को रखते हैं कि वो हमारी मदद करें, लेकिन अल्लाह करे कि कामयाबी हमें हासिल हो। हमें इस वक्त हमारे मैशियत तो वैसी भी जो हाल है, और इस वक्त आपको देखें कि हमारे मुल्क में आटा भी नहीं मिल रही है, और ये जो सैलाब से तबाही हुई वो तो इतने ज़्यादा है कि इसको इतने आसानी से रिकवर भी नहीं हो सकता है, तो मौजूदा हुकूमत के लिए तो बहुत मुश्किल है। 2018 के जो एस्टेब्लिशमेंट ने जो यहाँ पे हुक्मरानों को लेके आए उसका ये खमादा अभी वो हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने भुगत रहे हैं, पूरा पाकिस्तान और पूरा कौम भी भुगत रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि इस वक्त जरूरत है इस बात की कि एक तो अपनी जो एक्सपेंडिचर है इसको कम करना चाहिए। मैंने सुना है, सही हो गया या गलत, कि 42 लोगों के डेलीगेशन गए हैं, तो इतना बड़ा डेलीगेशन नहीं लेके जाना चाहिए थे। और दूसरा ये कि जो हमारी कैबिनेट है फेडरल का वो 82 के कैबिनेट है, तो मेरे ख्याल में हमारे अपने अखराजात में भी कमी करनी चाहिए ताकि आवाम को हम कोई रिलीफ दे सके, क्योंकि आवाम की तवक्कुआत तो यही थी, इसलिए तो लोग इकट्ठे हो गए थे और हमने इसलिए हुकूमत को सपोर्ट किया कि आवाम को रिलीफ मिले, लेकिन अभी तक आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। वो इसके बावजूद भी जो कुदरती आपात और जो अजाब आया उससे भी हमें नुकसान हुआ, लेकिन हमें पहले से भी नुकसान था और वो नुकसान आज तक पूरा नहीं हो सका। आज भी जो आप जो स्टेटमेंट्स हम सुन रहे हैं, जो अखबारात में आ रहे हैं, जो टीवी पे सुनने जा रही है कि हम डिपार्ट की तरफ जा रहे हैं, अगर अल्लाह ने करे अगर हम डिपार्ट की तरफ चले गए तो बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर है, हमारे साथ तो ये नहीं होना चाहिए था। और जहाँ तक एक पार्टी की बात मेरे साथियों ने किए, हम लोग भी तो बहुत कमजोर है, हमारी हुकूमत मरकजी हुकूमत बहुत कमजोर है, वो पता नहीं क्यों पैसे नहीं करते, तजब्बुर का क्यों शिकार है। देखिए, ये जो बिलियन ट्रीज था हमारे सूबे में, उसमें सारी दुनिया बल्कि उनकी अपनी कमेटी कहते हैं कि उसमें करप्शन हुए, आज तक उसका पूछा तक नहीं गया। तो मेरे ख्याल में अगर ऐसी बात हो, दूसरा ये कि जिस सूबे में अभी इन पंजाब में वो बैठे हैं, पंजाब का जो सूरत हाल है वो कहते हैं गवर्नर के हुक्म को हम मानते नहीं, और दूसरा ये कि हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मत ये कि जब से पाकिस्तान बना है हमारी जुडिशरी ने हमेशा के लिए एक गलत रास्ता इख्तियार किया, उसकी वजह से इस मुल्क को मुश्किलात। अगर कोई डिक्टेटर आया तो उसको यहाँ तक इजाजत दी कि आप आईन में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, यानी कि कोई नहीं कर सकता है, और अभी इसी वक्त भी यही सूरत हाल है। अभी अब अगर एक गवर्नर ने उनके जो चीफ मिनिस्टर है उसके इतमाद के वोट की बात किए, तो अभी हाईकोर्ट का ये काम तो नहीं है कि उसमें स्टे दे दे। अब ये देखिए, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है और ये आईन का एक हिस्सा है कि एक बंदे की अगर इतमाद में उसके ऊपर असेंबली का इतमाद नहीं है तो उसको तो इतमाद का वोट तो लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेते हैं, और फिर ये देखे ना, ये रोज जो अभी यहाँ जमान पार्क में हमारा सुबह तो बिल्कुल लावारिस है, वो तो सारे गए हुए जमान पार्क में बैठे हैं, हमें दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं, वो सख्त मुश्किलात है, लेकिन हमारे हुक्मरान तो कोई है नहीं। तो फेडरल गवर्नमेंट की जो जिम्मेवारी है, जो आईन में इसने इसको जो इख्तियारात दिए, उनको चाहिए कि वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें, और ये जो हाईकोर्ट का फैसला था इनको चाहिए था
सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इत्मीनान के वोट वाले इशू पर भी मैं आप लोगों से तफसील से बात करना चाहूंगी, बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ विड्रॉ कर गई है इस मामले से और कल के दिन अब एतमाद का वोट नहीं लेंगे, कुछ इसी तरह की बातें जो है वो सामने आ रही है। मैं या आपने जो एक दो नुकात उठाए हैं फयाजुद्दीन साहब से अगर पहले इस पर बात करूँ, सर एक तो जायद खान साहब ये कह रहे हैं कि जिस हालात में इस वक्त मुल्क है, माशी मामला जो है वो हमारे सामने है, सैलाब की सूरत हाल हमारे सामने है, जब हम ट्रैवल करते हैं तो बहुत बड़ी डेलीगेशन के साथ ट्रैवल करेंगे तो वो भी एक अच्छा उससे एक इंप्रेशन नहीं जाता, वो कहते हैं अपने खर्चात तो पहले कम करें, इतनी बड़ी काबीना है, इस तरह की चीजों को तो पहले कट डाउन करें, ये हम पर भी कुछ जिम्मेदारी आती है। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि यकीनन हुकूमत को अपने खर्चात कम करने चाहिए और मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैं मुआवन खसूसी भी हूँ और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हूँ, लेकिन इजाजी तौर पर ना मैं तनख्वाह लेता हूँ, ना मैं TADA लेता हूँ, ना मैं हाउस रेंट लेता हूँ। तो इसी तरह मेरी तरह और भी बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और मुआवन खसूसी हैं जो इजाजी तौर पे हैं, लेकिन हुकूमत की मदद करने के लिए, हुकूमत को अपने नजरियात और अपने इलाके के मसाइल पहुंचाने के लिए ये जरूरी है कि हर इलाके में से लोगों को लिया जाए जो हुकूमत को अपने इलाके के मसाइल से गाइड करते रहें। तो जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इतमाद के वोट की, तो मैं अपने मुबशर रुकमान साहब के प्रोग्राम में आज से 4 दिन पहले कह चुका हूं कि ना इनके पास आदमी पूरे हैं, ना ये इतमाद का वोट लेंगे, ये अदालतों के पीछे छुपेंगे। आपने देख लिया है कि अपने परवेज इलाही साहब ने कहा है कि ये कानूनी हुक्म ही नहीं है, इसलिए मैं ये इतमाद का वोट नहीं लेता। नहीं, वो तो ठीक होगी बात सर, लेकिन ये जो एतमाद का वोट नहीं लेता, ये जायद खान साहब इस पर भी राय दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये भी कमजोरी है हुकूमत के एंड पर कि वो हर चीज को लटकाए चले जा रहे हैं, एतमाद के वोट की बात करते हैं, उसको लेने से विड्रॉ करते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात भी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं। मेरा ख्याल है हमारा राबता शेख फयाजुद्दीन साहब से मुनक़ता हो गया। बैरिस्टर साहब, आप सर इस पर कॉमेंट कर दें, जो ये बात रहे जायद खान साहब की, ये तो हुकूमत की भी किसी ना किसी एंड पर कमजोरी नहीं है बैरिस्टर आमिर हसन साहब की, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, वो जो दिल चाहता है करते चले जाते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा की जो अभी बात कर रहे हैं कि अगर उन्होंने सूबे को निगलेक्ट कर दिया तो वफाकी हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए और इन मामलों के ऊपर गौर करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। पूछ रही है फयाजुद्दीन साहब, मैं तो समझता हूँ एक कदम आगे बढ़े, कमजोरी से बढ़ के अब ये मुजरमाना गफलत होती जा रही है। और मैं आपके आपके प्रोग्राम्स के अंदर बारहा ये कह चुका हूँ कि हुकूमत का एक शख्स रियासत को चैलेंज करता है, रियासती इदारों को चैलेंज करता है और जो उसने अल्फाज इस्तेमाल किए कोई कर ही नहीं सकता, इवन आपके दुश्मन मुल्क भी वो ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन खामोशी है कि इतनी तवील है और उस पर कोई बात नहीं की जा रही। तो मैं इसे अब ये नहीं समझता कि ये खामोशी, मैं तो बल्कि इसे कमज़ोरी से बढ़ के अब मुजरमाना गफलत समझता हूँ कि एक शख्स को खुल खेलने की इजाज़त दी गई है। और दूसरी बात जो जायद खान साहब ने की है, मैं खुद इसे बिल्कुल अग्री करता हूँ, ये वक्त नहीं है कि सियासी जमातें, अगर हम 12-13 सियासी जमातें मिली हैं तो हम कोई प्रिविलेज लें और हुकूमत के अंदर वजारतें और अपने कोटे और अपने हिस्से मांगे। मेरे नज़दीक अपनी अपनी पार्टीज़ के अंदर जो बेहतरीन दिमाग हैं और बेहतरीन जहन हैं जिनकी मुल्क को ज़रूरत है, वो मुतलका वजारतों के अंदर हों और अगर जो साहिब हैसियत हैं वो इस वक्त ना कोई प्रिविलेजेस लें, जिस तरह वजीर खारजा ने बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि वो किसी किस्म का कोई खर्चा हकूमती खर्चे पर ना कभी गए हैं, ना सफ़र करते हैं और ना हकूमत के वसाइल को इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह होना चाहिए और होना भी कॉम्पिटेंट लोगों को चाहिए। ये वक्त नहीं है कि आपने अपनी गाड़ी के ऊपर झंडा लगाना है। मैं समझता हूँ इस वक्त आप अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर ये कौमी हकूमत का पैगाम पहुँचाना चाह रहे हैं कि इस वक्त मुश्किल हालात हैं, हमारी इकॉनमी है, ये आफत है, पाकिस्तान के मसाइल हैं, बदतरीन महंगाई हुई पड़ी है, एक शख्स है वो पाकिस्तान की सलामती के साथ खेल रहा है, दहशतगर्द फिर हमारे सर पर दंधराने लगे हैं और दहशतगर्दी एक अफरीद की सूरत में फिर कौम के सामने खड़ी है, तो ये वक्त है कि बेहतरीन, और अब मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर जब प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आए उन्हें वे हकूमती जमातों की सरबराहों की एक कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए और उसके अंदर ये फैसला करना चाहिए वजारतों को देखते हुए सिर्फ वही वजीर रखें जिनकी ज़रूरत है और कॉम्पिटेंट वजीर रखें और वजारतों की परफॉर्मेंस लें, क्योंकि ये हकूमत वो कुछ डिलीवर करने आई है
ये पिछली हुकूमत का गंद साफ करने आई है, और ना सिर्फ उसका गंद साफ करना है, उससे बेहतरी लानी है, साथ साथ साजिशों का और साजिशी बयानिए का जवाब देना है। एक तरफ आपने मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करना है, मुझे इजाजत दें, मैं थोड़ा सा उसकी कोशिशों को रोकना, क्योंकि सिंस प्राइम मिनिस्टर जो है वो पीएमएलएन से है, मैं फैजुद्दीन साहब से इस पे कमेंट लेना चाहती हूँ। सर, ये दोनों जो हमारे शुरका है, ऑल्दो यूनिटी गवर्नमेंट का हिस्सा है, इन दोनों की राय इस वक्त यहाँ पर ये है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है कोई। हम लोग सब यहाँ पर बैठ के क्रिटिसाइज तो कर देते हैं कि वो एक शख्स वो क्या कर रहा है, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है। उन्होंने पंजाब के अंदर भी एक हिजानी कैफियत जो है वो बपा की हुई है, खैबर पख्तूनख्वा उनसे संभाला नहीं जा रहा, वहां पर भी एक पोलिटिकल अनसर्टेनिटी है, लेकिन उनको फिर भी कोई पूछने वाला नहीं है। सर, आपकी इनकी बात बड़ी हद तक दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ये वतीरा नहीं है कि वो किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई करे। कानून अपना रास्ता आप लेगा, जो कुछ इमरान खान साहब कर रहे हैं उनका जवाब उनको अदालतों में देना पड़ेगा। हम नैब के जरिए या एफआईए के जरिए कोई ऐसा इंतकामी कार्रवाई नहीं करना चाहते कि जिस पे हम पे भी ये इल्जाम आए कि जिस तरह पीटीआई ने मुस्लिम लीग की लीडरशिप को एक एक को जेल में डाल दिया था, और बेगुनाह, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है और सब बेल आउट हो गए। तो हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते कि हम पे कल पे ये इल्जाम है कि हम सियासी तौर पे इंतकाम ले रहे हैं। लेकिन जहां तक इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं, इनका जवाब उनको इंशाल्लाह अदालतों में देना पड़ेगा और तारीख में भी देना पड़ेगा। उनके झूठ का जो भांडा है वो चौराहे पे फूट चुका है। अब आवाम को भी पता लग गया है कि उनका वाहिद मुतमाइन नजर ये है कि उनको हुकूमत दी जाए। अगर वो हुकूमत, चलिए इस पर बात करते हैं शेख साहब, थोड़ा सा इस पर भी अगर कमेंट कर दें, क्योंकि हम अगर अवाम की बात करें, सर अवाम इस वक्त बहुत सारे मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। माशी सूरत हाल की बात करें, महंगाई की बात करें, जो अभी बात कर रहे थे जायद खान साहब के आटा जो है वो नायाब होता जा रहा है इस मुल्क में, बहुत ज्यादा माशी जो सूरत हाल है वो मुश्किल है एक आम पाकिस्तानी के लिए। और एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि IMF का जो बेल आउट पैकेज है, क्या हम ये जो रिव्यू है इसको सक्सेसफुली कम्प्लीट कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। IMF के डेलीगेशन से मुलाकात भी है जिनीवा कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन के ऊपर, हमें क्या तवक्कोआत रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्त ममालिक भी सर यही कह रहे हैं कि आप पहले IMF के साथ मामला ठीक कीजिए, फिर हम आपकी मदद को आ सकते हैं। जहां तक IMF का प्रोग्राम है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये रिन्यू हो जाएगा। ये IMF को डिच भी इमरान खान साहब ने किया था, मुहैदा भी उन्होंने साइन किया था और बैकआउट भी उन्होंने किया था। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में जो एक दफा हमने प्रोग्राम मुकम्मल किया वो मुस्लिम लीग नून ने किया है। इस दफा भी आप देखेंगे कि हम IMF के प्रोग्राम को मुकम्मल करेंगे। और आपने देखा होगा कि उनके मैनेजिंग डायरेक्टर से शहबाज शरीफ साहब की बात हुई है, और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि साइड लाइन पे जब जिनेवा में मुलाकातें होंगी और उस पर इंशाल्लाह एक बेहतर लाहे अमल तय हो जाएगा, उस पर आगे बढ़ते हुए ये प्रोग्राम भी बहाल हो जाएगा। और आपको ये भी याद होगा कि IMF ने यह भी कहा है कि सैलाब जदगान की पाकिस्तान को जिस तरह मदद कर रहा है वो उनसे मुतमैन है। इंशाल्लाह आप देखेंगी कि जिनेवा में बहुत अच्छी खबरें आएंगी। और इसके साथ साथ जहां तक ये बाकी बहरान है, इस माशी दलदल में हमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने डाला है। हमने हुकूमत इसलिए नहीं ली थी कि हम हुकूमत को एंजॉय करना चाहते थे, हमने सिर्फ इसलिए ली थी कि अगर हम हुकूमत ना लेते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता, और अगर डिफॉल्ट हो जाता तो उसके जो मुजमरात है वो आपसे भी छुपे नहीं है, मुझसे भी छुपे नहीं है। ना पेट्रोल मिलना था, ना चीनी मिलनी थी, ना आटा मिलना था, ना घी मिलना था। अब भी आप ये देख लें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है तो उसने कहा है कि पंजाब में जो सबसे करप्ट इदारे हैं वो पाकिस्तान पुलिस है, और उनका रेवेन्यू है और उनके जो अदलिया वगैरह है। तो यहाँ ये तो उनकी गवर्नेंस का हाल है। अब ये देखें, आटा अगर किसी ने मुहैया करना है पंजाब में तो हुकूमत पंजाब ने मुहैया करना है। पास्को के पास अपने जखायर जो है वो मुकम्मल मौजूद है, और वो तमाम सूबों की उनकी जो जरूरियात है वो उनको दे रहे हैं। लेकिन अगर वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अगर अपने पंजाब में इसको अपने लॉ ऑर्डर के जरिए इसको यकीनी नहीं बना सकते कि गरीबों तक आटा पहुंचे, तो ये कसूर उनकी हुकूमत का है जो चार साल में पंजाब में बैठे हैं। बिल्कुल ठीक है। माशी सूरत हाल की जब हम बात करते हैं जायद खान साहब, बहुत सारी चीजों पर हर किसी की मुख्तलिफ आरा हो सकती है, राय हो सकती है, कॉम्प्लिकेटेड मामला होते हैं मईशत के, लेकिन IMF के साथ जो मामला खटाई में पड़ा या IMF का जो एक एतमाद का फुकदान दिखाई देता है पाकिस्तान पर, उसकी कड़ियां तो कहीं ना कहीं PTI और PTI ने जिस तरीके से वायला IMF के साथ मुआहदा उसी से जाकर मिलती हैं। सर क्या कहेंगे इस पर? प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी हमने देखा है कि फर्स्ट हैंड एक कोशिश की गई है, उन्होंने खुद बात की MD IMF से, अब एक मीटिंग भी एक्सपेक्टेड है जिनेवा कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन के ऊपर, तो आप समझते हैं कि बैक ऑन ट्रैक हम ला सकेंगे IMF प्रोग्राम को? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि दोस्त ममालिक भी कुछ यही इंतजार कर रहे हैं कि IMF की तरफ से कोई सिग्नल आए तो फिर वो आगे बढ़े और देखेंगे पाकिस्तान के साथ क्या मामला करना है।
ये बिल्कुल आपने सही बात की। इस वक्त जो सारे हमारे दोस्त ममालिक है वो इसी का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे आईएमएफ के साथ माहिदा होता है या नहीं होता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने बर्बादी की है, आईएमएफ के साथ जो उसने वादा किया था उसको पूरा नहीं किया, उसके जरिए फिर हमें नुकसान हुआ। लेकिन क्या जब हम आए तो हमने तो इसको खत्म करना है, हम अभी क्यों तजुर्ब का शिकार है, हम फैसले क्यों नहीं करते? अगर हमें फैसले करनी होगी तो ये कड़वा घूट तो आपको पीना पड़ेगा। जिस वक्त आपने हुकूमत ली थी यही था, अभी देखे ना 7 के 8 महीने हमारे हुए। मेरे भाई कह रहे हैं कि हम उसको इंतकाम इंतकाम तो कोई भी नहीं कहते कि किसी को इंतकाम की कार्रवाई करे, लेकिन आपकी जो इदारे वो कर क्या रहे, कोई केस नहीं बन सका, कोई चीज आपके सामने नहीं है। और अगर आपको अदालत उसको अभी भी अदालत उनके अगर जुडिशरी का वो लड़ रहा है तो फिर अदालत में कहे कि आए आप चला ले, हम लोग उनसे तो ऐसे तो नहीं चल सकती है कि जिस तरीके से अगर वो इधर बैठे हुए हैं और वो रोज जलसे और जुलूस से निकाल रहे हैं और कहते हैं कि जी मुल्क डिपार्ट की तरफ जा रहे हैं, तो बिन अल्फामी सतह पे तो सारे नजरें हमारे ऊपर कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे हम एक प्लेटफॉर्म पे है कि नहीं है। तो जाहिर है कि वो तो इमरान खान तो तबाही की तरफ लगा हुआ है, वो तो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो अपनी जिम्मेवारी, हमें तो अपनी जिम्मेवारी पूरा करनी चाहिए ना। अगर हम देखें ये अच्छा है जो कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें अगर हमें कुछ मिले तो बेहतर है, लेकिन आईएमएफ के साथ इनको करना पड़ेगा, जिस तरीके से भी करना पड़ेगा। जब तक आपने नहीं किया वो देखे, आपके पास डॉलर नहीं है कि आप जो इलसी खोल दे, लोगों के जो मसाइल वो हल हो, तो ये तब मुमकिन होगा जब आपके पास आईएमएफ के माहिदा हो और उसके जरिए आपको आपके दोस्त ममालिक देखे ना, आप सऊदीया गए वो भी कहते हैं, यूएई भी कहते हैं, चाइना भी कहते हैं कि आईएमएफ से माहिदा करें, तो अभी तक हम वो नहीं कर सके। तो हम 6-7 महीने तो गुजार चुके हैं, तो आगे और क्या हम इंतजार करेंगे? क्या हम फैसले नहीं करेंगे? अगर फैसले नहीं करेंगे तो यही होगा जो अभी इस वक्त सूरत हाल है। देखिए ना, ये बात नहीं है कि जी मरकज के पास बहुत इख्तियारात है। अगर गंदम मेरे सूबे में इस वक्त 20 किलो की जो एक थोड़ा है वो 3,000 रुपए पे लगा हुआ है, 3,000 रुपये मिल रहा है, तो ये फिर आपका काम है कि आप उसको मॉनिटर करें। अगर एक सुबह में सही काम नहीं हो रहा है तो आपके पास तो आई में बहुत सारे इख्तियार है। हाँ। जो आप इस्तेमाल करते, अगर आप नहीं करते हैं तो आप भी उसी तरीके उसी पैमाने पे आप ही है, आवाम की मुश्किलात में आप भी उतना शरीक है जितना वो सूबाई हुकूमतें हैं। वो तो है, वो तो कर रहे हैं, वो तो लेकिन बिन अल्फामी सतह पे तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ लोग देखते हैं, फिर आपकी जो सूबे की आवाम है वो भी इस तरफ देखते हैं कि ये तो कर रहे हैं, तो सुबह जो हमारी मरकजी हुकूमत है वो क्या कर रहे हैं? मुखालिफ सियासी जमातें आपस में एक दूसरे पर तनकीद किया करती हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगाया करती हैं, फेलियर्स की जिम्मेदारी डाला करती हैं एक दूसरे पर, लेकिन ये कुछ पहली दफा कुछ फिनोमेनाज हैं जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो बिल्कुल ऐसा लगता है बाजी नहीं आकर दे रहे इदारे को टारगेट करने से, इदारे को ब्लेम करने से, जनरल बाजवा का नाम लेने से। वो उन्होंने आज भी एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में जो कुछ गलत है और जो मसाइल और मुश्किलात के सामने है उनकी जिम्मेदारी फौज की जो पुरानी क़यादत है उसके ऊपर आती है, और अगर वो ना होते, वो सब कुछ ना करते तो आज ये हालात ना होते। वो जो परवेज इलाही साहब ने उनके बारे में कहा कि वो मोहसिन कुशी कर रहे हैं, तो ये सिलसिला तो हम देख रहे हैं कि जारी है उनकी जानिब से। इस पर क्या कहेंगे, इस तरीके से टारगेट करना इदारों को? देखिए, सियासी जमातें सियासी बात करती हैं। इमरान खान को मैंने कभी भी ना सियासी जहन माना है और ना उनकी जमात को सियासी जमात मानना है। वो एक फ़ैन क्लब है और एक प्रेशर ग्रुप। इमरान खान की जितनी भी ये एक नाम नेहाद सियासी ज़िंदगी रही है, एज़ अ प्रेशर ग्रुप उसने काम किया है ये, और उसी के ज़रिए वो कर रहा है। देखें, जनरल बाजवा के बारे में वो जितनी भी गुफ्तगू करे, आखिर तक तो उन्हें डेमोक्रेट जनरल और बड़ी बड़ी उनकी तारीफ़ें, और फिर हमें मशवरा दे रहे थे कि इन्हें एक्सटेंशन दे दें 1 साल की, और एक्सटेंशन खुद पहले खुद ऑफर की, फिर हमें हुक्म फरमा रहे थे कि आप इन्हें एक्सटेंशन दे दें और बाद में इलेक्शन हो। अब उन्हें वो जनरल कमर बाजवा, इमरान खान की ज़हनी हालत ऐसी नहीं है कि उस पर गुफ्तगू की जाए। मुसीबत वहीं पर आके खड़ी होती है कि हम एक ऐसे शख्स को टैकल ही नहीं कर पा रहे। अच्छा, किसी ने नहीं कहा शेख साहब से कि इंतकामी, कम अज़ कम पीपल्स पार्टी भी नहीं कह सकती, एएनपी भी नहीं कह सकती। हम लोगों ने तो इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ आवाजें उठाई हैं और इंतकामी कार्रवाइयां भुगती हैं। हमारे माथे के ऊपर गद्दारी के चस्पा किए गए हैं, अवेजा किए गए हैं कतबे, और इस मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि जो वाजिब भी नहीं थे। हम लोग तो आपसे कब कह रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाई करें? हम ये कह रहे हैं
कि अगर बगैर कुछ कहे पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज की, पाकिस्तान के इदारों की, पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान की रियासत की इज्जत करते हुए हम सूलियों तक पहुंचे, हमें गद्दार कहा गया बगैर किसी वजह के, लेकिन एक शख्स तो ये सब कुछ कर रहा है, रियासत खामोश क्यों है, हुकूमत ने इनिशिएट करना, खामोशी क्यों है। एक दूसरी बात इस तरफ आए कि मैं, हमने कभी भी नहीं कहा कि आप कुछ ऐसा करें, लेकिन सियासत तो करें ना शेख साहब। आपकी जमात एक मुतहरिक जमात रही है पंजाब के अंदर, आप लोगों ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़ी दबंग तरीके से आप अपोजिशन करते थे, इवन आपकी हुकूमत भी थी पंजाब में तो आप अपोजिशन करते थे। आज आप अपोजिशन है 180 मेंबर्स के साथ, हम 7 मेंबर्स के साथ जरदारी साहब आते हैं, हम हलचल मचा देते हैं पंजाब के अंदर, आप 180 मेंबर्स के साथ खामोश क्यों है, आपकी आवाज नहीं आ रही ना पंजाब असेंबली के अंदर। पंजाब में तो, पंजाब में तो आप देख लीजिए कि गवर्नर साहब की तरफ से एतमाद के वोट का मुतालबा किया गया, और अभी भी गवर्नर साहब ये बात बड़ी वजाहत के साथ कह चुके हैं कि कल का की तारीख का इंतजार है, अगर एतमाद का वोट नहीं लेती है। नहीं 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 मेरी बात सुने यशवीन साहब, मुझे बात पूरी, जी 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 मुझे बात कर लेने दें। गवर्नर साहब तो गैर सियासी होता है, मैं बात कर रहा हूँ लीडर ऑफ द अपोजिशन की, मैं बात कर रहा हूँ पंजाब की क्यादत की। मैं महसूस करता हूं कि आज हमजा साहब को मौजूद होना चाहिए, आज मरियम साहिबा को मौजूद होना चाहिए, इनकी सियासी क्यादत को मौजूद होना चाहिए, इमरान के झूठे बयानियों को, इमरान खान अगर लाहौर में बैठा रोज वो इल्जाम लगा रहा है तो उसका जवाब बयानिए का किसने देना है। असेंबली हवाले कर दी गई है परवेज लाई और ऐसे लोगों के, और खामोशी इख्तियार कर ली गई है। पंजाब की गलियां इमरान खान के दंगे फसाद के लिए खाली कर दी गई हैं, इमरान खान जो चाहता है जहां पे जाता है जलसा जुलूस करता है, 180 मेंबर्स के साथ असेंबली खामोश है, सबसे बड़ी अक्सरीती पार्टी पंजाब की होके आपने गलियां उसके लिए खाली छोड़ दी हैं। मैं सियासी बयानिए की बात कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, आई टेक यू, आई हैव टेकन योर पॉइंट शेख साहब। किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे सर, वो ये कहते हैं कि क्यों लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो नजर नहीं आ रहे। मैं सियासी नैरेटिव की बात कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिकल नैरेटिव की बात कर रहा हूं, आई हैव टेकन योर पॉइंट सर, पॉलिटिकल नैरेटिव की बात कर रहे हैं बैरिस्टर साहब, वो ये कहते हैं कि क्यों ये जरूरी हो गई है, क्यों जो है वो मिसिंग है। सबकी इज्जतों के ऊपर एक बात सुन लें, मेरी बात सुन लें सर, मेरी बात सुन लें प्लीज। मैं ये कह रहा हूं, मैं इख्तलाफी बात नहीं कर रहा, प्लीज अगर सुन लें तो, मैं इख्तलाफी बात नहीं कर रहा। आज अगर सबकी इज्जत दांव पे है, हमने अपने चेयरमैन को बतौर वजीर खारजा कैबिनेट में बिठा दिया है, इससे हमारी नेक नियति बढ़ के क्या होगी, वो हमारा वजीर आजम का उम्मीदवार था, सुबह आप जो कॉन्फ्रेंस देखने जा रही है वो हमारे दो वजरा की परफॉर्मेंस का नतीजा है, वजीर खारजा और वजीर क्लाइमेट चेंज के। हम ये कह रहे हैं कि प्रोग्रेस देखें, प्राइम मिनिस्टर एज कैबिनेट के हेड के देखें, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अकेले जवाब देनी होंगे, हम अकेले जवाब देंगे, अपने सियासी नैरेटिव का, हम उससे मजबूत सियासी जमाते हैं, हमें उसका जवाब देना है। बिल्कुल ठीक है, मौका दीजिएगा शेख साहब। सर आपने गुफ्तगु सुनी है बैरिस्टर साहब की, वो कहते हैं क्यों मिसिंग इन एक्शन है जो क़यादत है पंजाब की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, और क्यों भरपूर जवाब नहीं दिया जा रहा, जिस किस्म की हरकतें की जा रही है पीटीआई की जानिब से, काउंटर नैरेटिव नजर नहीं आ रहा, वो मिसिंग है पॉलिटिकल नैरेटिव जो है। मेरे भाई का जो जज्बात है बाएं नहीं वही मेरे जज्बात हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम आईनी और कानूनी तरीके से इनको निकालें, जैसा कि पीपल्स पार्टी के तावन से और बाकी जमातों के तावन से वफाक हमने इस फितने से जान छुड़ाई है। इंशाल्लाह आप देखेंगे चंद दिनों में ही पंजाब में भी इनसे जान छूट जाएगी। वैसे तो अगर हम चाहें तो गवर्नर राज भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा करना जो है वो सियासी दानिशमंदी नहीं होगी। हम इनसे सियासी मैदान में मुकाबला करना चाहते हैं, हम इनसे असेंबली में मुकाबला करना चाहते हैं, इसीलिए हमने उनको चैलेंज किया है कि आप इत्मीनान का वोट लें। और हम, मुझे यकीन है कि हम बाकी पार्टियों के तावन से, खसूसन पीपल्स पार्टी के तावन से इस काबिल हैं कि हम इनको इत्मीनान का वोट ना लेने दें। जब ये इत्मीनान का वोट नहीं ले सकेंगे तो इंशाल्लाह रन ऑफ इलेक्शन में हम मिलके अपना वजीर आला ले आएंगे। और पंजाब में जो 4 साल में जो लूट मार का बाजार गर्म हुआ था, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी कहा है कि पंजाब करप्शन का गढ़ बन चुका है, उससे हम इंशाल्लाह आईनी और कानूनी तरीके से जान छुड़ा के अपनी हुकूमत ले आएंगे। और अच्छा शेख साहब, लेकिन सवाल बात फिर वही काउंटर नैरेटिव की आ जाती है जो बैरिस्टर साहब कर रहे थे, आप लोगों की तरफ से शायद वो मिसिंग दिखाई देता है। अभी एतमाद के वोट की बात हो रही है, कब होगा कब नहीं होगा उसके ऊपर बहस जा रही है, लेकिन खान साहब ने उसको पहले से ही मुतनाजा बनाने का नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया है। वो ये कहते हैं जी कि एतमाद का वोट के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है,
और वो ये कह रहे हैं जी कि मेरे तो और अकीन को कॉल्स जा रही हैं। नवाज को यहाँ होना चाहिए, हमारी भी मुस्लिम लीग की भी पूरे पंजाब की पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि इस वक्त वो हमारे साथ हों, लेकिन आप भी जानती हैं कि इस वक्त वो जिनेवा में अपने गले के सर्जरी के लिए गई हुई है। सेहत जो है हर आदमी के लिए उसका बुनियादी हक है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखे। जैसे वो इस सर्जरी से फारग होंगी इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में अगली सफों में खड़ी होंगी। आपने देखा होगा कि उन्होंने जेल भी, वो अपने बाप का हाथ पकड़ कर सीधे अपनी पार्टी के लिए जेल में चली गई थी और अपनी वालदा को बिस्तर मर्ग में छोड़ के वो अवाम के साथ आके खड़ी हो गई थी। अब भी जैसे ही उनकी सेहत उनको इजाजत देगी, सर्जरी से फारग होंगी, वो पाकिस्तान में हमारे और आपके साथ होंगी इंशाल्लाह, आप देखेंगे। और बहुत जल्द इस फितने से पाकिस्तान की जान छूटने वाली है। बिल्कुल ठीक है, चले ये तो एक जवाब का हिस्सा हो गया। मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी अगर आप दे दें, वो एस्टैब्लिशमेंट पर इल्जाम लगा रहे हैं सर, वो कहते हैं कि अभी भी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल नहीं है, एतमाद का वोट जो है उसके अंदर भी एस्टैब्लिशमेंट अपना कोई किरदार अदा कर रही है। उन्होंने आज तो यहाँ तक कह दिया कि हमारे अराकीन को कॉल्स जा रही है कि वोट नहीं देना है या जो भी मामला करना है, तो मैं थोड़ा सा इस पर चाहती हूँ कि वो तो ऑलरेडी जो वोट अभी हुआ ही नहीं है, कब होगा पता नहीं, उसको मुतनाजा बनाना शुरू हो गए हैं। ये उस एस्टैब्लिशमेंट की बात कह रहे हैं कि जिसकी छतरी के नीचे इन्होंने चाल साल गुजारे हैं, ये उसी जनरल बाजवा की बात कह रहे हैं जो ये कह रहे थे कि इंतहाई जमहूरी शख्स है, ये उसी जनरल बाजवा की बात कह रहे हैं कि वो जब उनकी हुकूमत थी तो वो कहते थे कि हर मामले में माली मामले हासिल करने के दुनिया के उन्होंने दौरे किए और इनकी हुकूमत को गिरने से बचाया। ये उसी जनरल बाजवा के मुतालिक कह रहे हैं कि जो 18 के इलेक्शन में इनको पाकिस्तान पे इनको उन्होंने मुसल्लत किया। यह किसान फरामोश शख्स है और यू टर्न लेने का माहिर है, इसकी किसी बात पे हमें गौर नहीं करना चाहिए। आप देख लें आज तक चार साल में इतने कितने यू टर्न लिए हैं। आईएमएफ में नहीं जाना, मैं खुदकुशी कर लूंगा, और अब आज कल कह रहे हैं कि आईएमएफ में जाने के अलावा हमारा गुजारा नहीं है। ये वही कह रहे थे कि मैं लोटों को अपने पार्टी में नहीं लूंगा और पाकिस्तान के तमाम लोटों को इन्होंने साथ इकट्ठा कर दिया। ये वही शख्स है कि जो ये कह रहा था कि ये जो MQM है ये दहशतगर्द जमात है और उसी जमात के साथ मिलकर ये कह रहा था कि ये इंतहाई नफीस लोग हैं। तो जहां तक इनकी बातों का ताल्लुक है तो किसी बात का जवाब देना भी मैं मुनासिब नहीं समझता। अवाम इनको समझ चुके हैं कि ये बिल्कुल एक दहशतगर्द फासिस्ट जमात है, ये चाहते हैं कि जो ये कहें वही सही है बाकी सब गलत है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आपकी आवाज। जमात है जो कभी भी जमहूरियत पसंद नहीं है, ना जमहूरी रवैया है इनका, ना ये जमहूरी रवैया अपना सकते हैं। ये एक फाशिस्ट जमात है और इंशाल्लाह हम सब पाकिस्तानी जमातें मिलके पाकिस्तान को इसके जान छुड़ाएंगे और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन में इसको हम शिकस्त फाश देंगे। अच्छा ये गायब खान साहब फोन आ रहे हैं तो बताए ना किस MPA को फोन आया, वो MPA को ले आए ना स्क्रीन पे आके वो बताए कि उनको फोन आया। फोन उनको उस वक्त आते थे जो खुद ये इन्होंने तस्लीम किया था कि जब मैंने बजट पास कराना होता था या कोई बिल पास कराना होता तो ISI मेरी मदद करती थी, उनके फोन जाते थे, लोग आते थे। तो ये अपनी बातें हम पे ना थोपे, ना हमारी तरफ से किसी ने फोन किया है, ना हमारा ये रवैया है, ना ये हमारा प्रोग्राम है कि हम किसी इदारे को इसमें इन्वॉल्व करें। हम इंशाल्लाह जमहूरी लोग हैं और जमहूरी तरीके से इनको इंशाल्लाह पंजाब से रुखसत करेंगे। बिल्कुल ठीक है, जायद खान साहब सर क्या कहेंगे इदारों पर इल्जामात का सिलसिला, इदारों के सरबराहों का नाम ले लेकर इल्जामात का सिलसिला, कभी कहते हैं एक नई सियासी जमात बनाने की कोशिश की जा रही है हमारे खिलाफ, कभी कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हमारे खिलाफ ज्यादा ताकतवर बनाया जा रहा है, कभी पीपल्स पार्टी का नाम लेते हैं, और फिर जैसे मैंने अभी कहा कि एतमाद का वोट जो अभी हुआ ही नहीं है, कब होना है कोई पता नहीं, उस पर भी जो है वो एक तनाजा खड़ा कर दिया और ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। देखिए जहां तक उसकी बात है वो इसलिए सही है कि उसके ये सब चीजें उसके लिए हो चुकी है। 2018 में जिस तरीके से इसके साथ एग्रीमेंट किया इस एस्टैब्लिशमेंट ने जिसके पीछे ये पड़ा हुआ है कि 10 साल आप हुक्मरानी करेंगे, तो ये तो एक चीज सामने आई कि वो गलत फैसला था, उस गलत फैसले की वजह से आज उनको भी भुगतना पड़ रहा है, लेकिन बदकिस्मती से पूरा कौन को भुगतना पड़ रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है हमारे मैशत बैठती जा रही इन बातों से, ये आज भी जो तकरीर कर रहे खवातीन कराची में इकट्ठी हुई थी उसको कहते आप जिहाद के लिए उठे, खवातीन को कहते जिहाद, तो जिहाद किसके खिलाफ कर रहे हैं मुझे तो समझ आते ही नहीं है। फिर हमारी ये देखे ना हमारी कमजोरियां है हुकूमत की, वो क्यों हम छिपाने की कोशिश करते हैं। जब लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला दिया तो क्यों हम सुप्रीम कोर्ट में, हमारी जो हुकूमत है वो क्यों सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई, क्यों नहीं बात की कि ये जो इसने फैसला दिया ये गलत है, उसको चैलेंज करते, तो हम नहीं करते हैं। हम हर एक चीज को जब वो करते तो हम डम करते हैं। अगर जितने भी केसेस है आपको पता है जब से ये हुकूमत आई है तो प्लान केसेस ने क्या फॉरेन फंडिंग केस सारे डम हो गए,
किसी के लिए फिर न कोर्ट में जा रहे हैं न कुछ कर रहे। हमारे जो जो लास्ट साइड है वो बहुत वीक या मुझे लग रहा है या हमारी अपनी कमजोरी है जो जो फेडरल गवर्नमेंट की है, क्योंकि इसके तो सारा जितना भी कैबिनेट उसके तो कैप्टन तो प्राइम मिनिस्टर होता है, तो प्राइम मिनिस्टर क्यों एक डिसीजन नहीं लेता है, वजह क्या है हमें बताए तो सही। इस वजह से और इस वजह से कि जी हम ठीक है वो तो फासिस्ट है, वो गलत है, वो सियासी है नहीं, ये सारी बातें अपनी जगह पे, तो क्या हम इसको ये रोना रोए कि जी वो फासिस्ट है वो सियासी है नहीं इसलिए हम भी बैठे रहेंगे। हमने जिस मुल्क को तो किस तरीके से तो निकालना है जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। देखिए ना अभी पूरा कैबिनेट में हमारा कोई ना वजीर है ना कोई मशीर है ना कोई चीज है, लेकिन हम सपोर्ट कर रहे हैं किस बात के लिए, क्या अब इस कौम को एक रिलीफ मिल जाए और वो जो फासिस्ट हुकूमत थी जिसने इस कौम को इस मुल्क को इस दलदल में फंसाया है इसे निकाले। लेकिन अगर हम भी बैठे रहें और हम इसको निकालने की कोशिश नहीं करेंगे और हम डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर यही सूरत हाल होगा जो आज है और इसे और बदतरी की तरफ जाएगा, कुछ सही नजर नहीं आएगा। इधर दहशतगर्दी का सामना आपको करना पड़ रहा है हमारे सूबे में, वहां पे आप लोगों को आटा नहीं मिल रहे, वहां पे चीनी सारे लोग रोते रहते हैं। अगर चैनल पे आप देखें तो देखिए हमारी जो अपनी जिम्मेवारी, हम तो अपना जिम्मेवारी तो पूरा करें ना, बिल्कुल आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। लेकिन सूबे की तो जहां तक बात है, सूबे के वजीर आला जो है वो पूरा वक्त जमान पार्क में गुजारते हैं, खान साहब के इर्द गिर्द, सूबे की उनको परवाह है नहीं, सूबे के लिए उनके पास वक्त नहीं है। बैरिस्टर साहब, सर थोड़ा सा जी इजाजत है बैरिस्टर साहब को जरा इसी नुक्ते पे, ये एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद वाला मामला जो है इस पर तो आप जरूर अपनी राय दीजिएगा ही, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ वो आप सियासी जमातों को भी जो है वो उसके अंदर लेकर आ जाते हैं उस तनकीद की जद के अंदर। वो ये कह रहे हैं अब नया इल्जाम ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। वो कहते हैं जी कि MQM के धड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट करेंगे पीपल्स पार्टी को। वो कहते हैं सारी जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उसको तोड़ तोड़ कर पीपल्स पार्टी में लाया जा रहा है, पीपल्स पार्टी की हिमायत में लोगों को कॉल्स की जा रही है। तो बेसिकली वो ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है और वो आपके फेवर में जो है न्यूट्रल नहीं है। देखिए इमरान खान जो बात कर रहे हैं वो अपने आप सारा, मैं समझता हूं कि अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी जब मौजूद थी इमरान खान मौजूद नहीं था, हमारे 40-40 साल के लोग जो 40-40 साल तक वाबस्ता रहे, पार्टी के MNAs रहे, MPAs रहे, उन्हें एस्टेब्लिशमेंट के जरिए तोड़ के, शुजा पाशा के जरिए और बाद में जनरल फैज के जरिए उन्हें PTI जमात बनाई गई। हम पंजाब में मौजूद थे इनसे पहले, हमारे लोग इनके साथ मौजूद हैं। इर्द गिर्द जरा नजर मारे ना, ये इमरान खान के अपने लोग हैं या हमारे लोग हैं? अच्छा जब कितनी ढिठाई और शर्म इस शख्स को नहीं है कि वो बात कह रहा है कि जो लोग हमारे थे अगर आज वो वापस आएंगे तो कह रहे एस्टेब्लिशमेंट लेके आई है, तो इसके पास जाके किसने बिठाया था भाई? असल में तो तुम्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को डरा के, धमका के, केसेस के जरिए, बहुत से तरीकों से उन्हें उधर लेके जाया गया था। लेकिन आज जब लोगों ने देखा है कि बेड़ा गर्क हो गया उनकी सियासत का और वो वापस आए हैं, बहुत से लोग इसकी हकूमत में जैसे चंद साहब थे, है नदीम अफजल चंद साहब, वो इसके स्पेशल असिस्टेंट थे जब इसकी हुकूमत छोड़ के और वो वापस आए हैं। इसी तरह इम्तियाज सफदर वड़ैच, वो हमारे कभी पंजाब के सदर थे, वो इसके साथ चले गए, वो भी इसकी हुकूमत में छोड़ के वापस आए हैं। राजा रियाज हमारे MNA थे हमेशा से, वो हमारी तरफ। तो इसी तरह जितने लोग आज वापस आ रहे हैं वो पीपल्स पार्टी के लोग थे जिनकी जिंदगियां 40-40 इमरान खान के साथ तो उनके 4 साल गुजरे होंगे ना, हमारे साथ उनके 40-40 साल थे। लेकिन ये शख्स कितना बेशरम आदमी है कि वो कह रहे हैं कि जिधर तुमने 40 साल गुजारे हैं उधर अगर वापस जाओगे तो ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से जाओगे और 40 साल छोड़ के जिसके साथ 4 साल गुजारे हैं वो असल तुम्हारी जगह है। मैं समझता हूं इस शख्स की हर दिमागी ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। इसके पास तनकीद के अलावा कुछ नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूं कि हमारा काम इधर बैठ के अब तनकीद करना नहीं है, हमारा काम काउंटर नैरेटिव देना है। पंजाब इस वक्त बैटल फील्ड है, पंजाब के अंदर मुजरमाना खामोशी है, पंजाब की असेंबली से अपोजिशन की आवाज नहीं उठ रही, पंजाब की गलियों से आवाज नहीं उठ रही। जिस तरह एहतजाज होता था इमरान खान को खुल खेलने की इजाजत दे दी गई है। मैं ये नहीं कहता कि हमजा साहब आए, मैं ये भी नहीं कहता मरियम बीबी जरूर अपना इलाज करवाएं, लेकिन सियासी
जगहों को, वैक्यूम को नहीं छोड़ा जा सकता। आपके पास बहुत सी आवाजें हैं, उनकी ड्यूटी लगाएं पंजाब के अंदर। आपके लिए यहां पे पंजाब असेंबली में ख्वाजा साद रफीक थे, वो अब लीडर ऑफ द अपोजिशन हो सकते थे। राणा सनाउल्ला पंजाब के सदर हैं। पंजाब की सियासत, पंजाब की बैटल फील्ड, क्योंकि आपके पास 180 मेंबर्स हैं, आपको इस झूठे बयानिए का जवाब देना है जो इमरान खान देता जा रहा है, मुसलसल देता जा रहा है। इतना बुलंद आहंग वो झूठ बोल रहा है कि उसके झूठ पे यकीन होने लगेगा। लेकिन आप अगर खामोश रहेंगे तो इसमें बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसमें सियासत का भी बेड़ा गर्क होगा, इसमें पाकिस्तान का भी बहुत कम है। मैं शेख साहब से आपने जो नुक्ता उठाया उस पर कॉमेंट ले लूं, इजाजत दीजिएगा। स्पेस नहीं दी जा सकती किसी को। बिल्कुल ठीक है शेख साहब, एक तो जो आमिर साहब बात करें, इस पे कुछ कमेंट करना चाहते हैं सर तो करें, और साथ ही साथ ये कि जहां नैरेटिव बिल्डिंग की बात है, एक बात खान साहब और उनकी जमात अब तवातुर से ये भी कर रहे हैं कि इलेक्शन का खौफ है आप लोगों को, आप सभी जमातों को, और आप लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। वो कहते हैं हम जहां भी तहलील की बात करते हैं, अर्ली इलेक्शन की बात करते हैं, ये हमारी मकबूलियत से खाइफ है, और सो मच सो कि अब तो वो जो इस्लामाबाद वाला इंतखाब नहीं हुआ उस पर भी यही तनकीद कर रहे हैं कि आप लोग किसी भी तरह अवाम के पास जाने को तैयार नहीं है। देखिए बीबी, जहां तक ये बल्दियात के इलेक्शन की बात है, तो जैसे मेरे भाई ने कहा, इनको ये बात करते शर्म ही नहीं आती कि पंजाब में इन्होंने बल्दियाती।